क्यू शर्मा एंड यू वाचिंग अवर चैनल मैथ्स हिस्ट्री। आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं, जिसका 3 लेक्चर खत्म हो चुका है। आज ये 4th लेक्चर है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्निकल एजुकेशन इन बंगाल, यानी साइंस एंड टेक्निकल एजुकेशन जो होता है बंगाल में आया कैसे, क्या क्या प्रॉब्लम्स आया उसको डेवलप करने में, एंड क्या क्या होता है, एक्टिविटीज़ हुआ, कौन कौन ऐसे पढ़े लिखे इंसान थे जो सामने आए, जिसकी वजह से जो है हम लोग का साइंस एंड टेक्निकल एजुकेशन बंगाल में होता है सेटअप करने में हेल्प मिला। ओके, तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले इंट्रो करते हैं इसका। सबसे पहले इंट्रो में लिखा हुआ है साइंस इज एन अम्ब्रेला टर्म, साइंस इज एन अम्ब्रेला टर्म। यहाँ पे अम्ब्रेला क्यों बोला गया है, यहाँ पे छाता लेके घूमना है क्या? तो नहीं, यहाँ पे होता है अम्ब्रेला टर्म का मतलब हुआ, अगर 5 जन जो होता है जा रहे हो कहीं पे, दो तीन फ्रेंड जो होता है जा रहे हो कहीं पे, एंड अचानक से बारिश पड़ने लगे तो क्या करोगे, सबके सब एक साथ आ जाओगे और अपना भेड़ बकरी लेकर के जाओगे, लेकिन खुद छाता में बचोगे, भेड़ बकरी को नहीं लाओगे, समझ में आया? उसी तरह होता है, यानी कि अपना एक कम्युनिटी अगर होगा, मतलब अपना ही जाति का इंसान हुआ ये, अगर इंसान हुआ देन जो भी हुआ ना, एक दूसरे का साथ होता है, हम जैसा दिखते हैं वैसा ही दिखने वाले का साथ देते, तो क्या होगा, उसको तुम अपने छाते के अंडर ले लोगे। उसी तरह होता है साइंस, जैसे कि फिजिकल साइंस हो गया, लाइफ साइंस हो गया, बायो हो गया, बायोलॉजी, डिफरेंट डिफरेंट जो होता है साइंटिफिक टर्म्स आता है, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स, मतलब बहुत सारा भरा पड़ा है साइंस, साइंटिफिक टर्म्स होता है बहुत सारा भरा पड़ा है, साइंटिफिक टर्म्स होता है बहुत सारे सब्जेक्ट्स है साइंस में, तो उन सबको एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, साइंस। अगर मान लो तुमसे जैसे 12th के अगर तुम लोग स्टूडेंट हो, या फिर तुमको कुछ भी पूछा जाए, तो तुम ये क्या बोलोगे, हाँ साइंस का आज टेस्ट है, देन उसमें पूछा जाए कि कौन सा साइंस का, देन बताओगे फिजिकल साइंस या फिर लाइफ साइंस का टेस्ट है, देन सबसे पहले क्या बोलोगे, साइंस है, क्या पढ़ते हो लेके, देन साइंस पढ़ते हैं लेके, साइंस लेके पढ़ते हैं, तो यही सब चीज़ें, तो इसी वजह से हो गया साइंस इज एन अम्ब्रेला टर्म। क्लियर हो सकते, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया हो कि साइंस इज एन अम्ब्रेला टर्म क्यों बोला गया है यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं, क्या साइंटिफिक इंडिविजुअल जो होता है हम लोग का, मतलब खोजबीन प्रयास करना, ये सब क्या अकेला एक इंसान कर सकता है? नॉट पॉसिबल एट ऑल। ओके, यहाँ पे पॉसिबल है ही नहीं एक अकेले इंसान से। अगर मान लो कोई खोज होता है एक अकेला इंसान करता है, तो उसमें क्या होता है ना, उसके पीछे उसको ज्ञान देने वाले, उसको इसके बारे में बताने वाले, नॉलेज देने वाले बहुत सारे हाथ है, यानी कि अकेला कुछ नहीं होता है। और इन सबको प्रमोट कौन करता है, इन सबको जो है हेल्प कौन करता है ऐसा करने में, तो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन हुए, रिसर्च लैबोरेटरीज हुआ, इन सब की मदद से ये लोग क्या करते हैं, कुछ भी होता है खोजबीन करते हैं, कुछ भी मतलब डिस्कवरी वगैरह करते हैं। क्लियर, और यही लोग, यही जो है इंस्टीट्यूशन वगैरह होता है, इन सबको होता है इनकरेज करता है ये सब करने के लिए। सो कुछ इंस्टीट्यूशन के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि हो गया कलकत्ता साइंस कॉलेज हो गया, इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस हो गया, बसुन ज्ञान मंदिर हो गया, तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है, आज हम लोग एक ही टॉपिक कवर करेंगे। क्लियर, नेक्स्ट दो टॉपिक जो है बाद में करेंगे। आ जाते हैं टॉपिक पे, इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस, इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस। सो 19th सेंचुरी में जो है, 19th सेंचुरी एक टर्निंग पॉइंट था, ठीक है, साइंटिफिक एजुकेशन उससे पहले समझो तो नहीं था हम लोग का, हम लोग वैदिक वगैरह, वेद वगैरह में उलझे हुए थे। क्लियर, सो साइंटिफिक एजुकेशन जो होता है 19th सेंचुरी में हम लोग का है, 19th सेंचुरी जो था एक टर्निंग पॉइंट था साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशन के लिए। बंगाल जो था, बंगाल ब्रिटिश का सीट था, सीट बोल सकते हो, मतलब कि ब्रिटिश का होता है ना एक बेस कैंप जो होता है ना, बेस बंगाल था, जो भी एक्टिविटीज़ उन लोगों को करना होता था सब वो बंगाल से करते थे, सारा एक्टिविटीज़ बंगाल से करते थे, डिफरेंट इक्विपमेंट्स होता है बाहर से इंपोर्ट करते थे वो लोग, एंड यहाँ पे होता है डिस्कवरी करते थे, डिस्कवरी करने में होता है किसको काम में लगाते थे, हम लोग के लिटरेट जो होता है मिडिल क्लास बंगालीज थे, उन सबको काम में लगाया जाता था, और कोई भी डिस्कवरी हो भले कोई भी करे, नाम किसका हुआ, ब्रिटिश का, क्योंकि नाम जो है ब्रिटिश, कोई भी डिस्कवरी में होता है अपना आदमी का तो देगा नहीं, सब कुछ तो उसका है। तो क्या हुआ ना, मिडिल क्लास बंगाली जो थे अपना डिजायर को जो है सबको बताया कि हम लोग को जो है फोरफ्रंट में रहना है, फोरफ्रंट मतलब होता है सामने में रहना, कि कोई भी डिस्कवरी किया तो हाँ कौन किया, तो ये बंगाली लड़का जो है, ये बंगाली जो है इसने ये किया है, ये डिस्कवरी जो है इसने किया है, ना कि कोई ब्रिटिश किया है, हालांकि करते हम लोग थे लेकिन क्रेडिट कौन ले जाता था, ब्रिटिश। ओके, सो इसी के लिए होता है सबसे पहला नॉन ऑफिशियल यानी कि गवर्नमेंट के खिलाफ, समझ में आया, गवर्नमेंट के खिलाफ नॉन ऑफिशियल होता है सबसे पहला इंस्टीट्यूट ओपन हुआ 1876 में हुआ। क्लियर, 1876 में हुआ, जिसका नाम था इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस, जिसका शुरुआत किसने किया था, महेंद्र लाल सिरकर। ओके, नाम याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, महेंद्र लाल सिरकर ने इसका शुरुआत किया, जिसका नाम है इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस। क्लियर, महेंद्र लाल सिरकर थे क्या, वो एक डॉक्टर थे, लेकिन इंडिया के फ्यूचर को लेकर वो बहुत ज़्यादा टेंस थे,
वो बहुत ज्यादा टेंस थे उस टाइम पे जो था, कलकत्ता साइंस कॉलेज एंड प्रेसिडेंसी कॉलेज, यही दो ऐसा इंस्टीट्यूट था जो कि टेक्निकल एजुकेशन को जो था बढ़ावा देता, मतलब पढ़ा रहा था। एंड यहाँ पे तो हार्डली, बहुत ही मुश्किल से जो था ना, एडवांस्ड स्टूडेंट्स जो थे, यानी ये जो अच्छे खासे पढ़े लिखे स्टूडेंट है, जो एडवांस्ड स्टूडेंट्स है, उन सबको जो है ओरिजिनल ओरिजिनल रिसर्च करने के लिए, यानी कि रियल वर्ल्ड में रिसर्च करने के लिए होता है, डिस्कवरी कुछ करने के लिए होता है, इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किया जाएगा। यानी कि समझ लो उस टाइम पे हम लोग के पास कुछ नहीं था, एक्चुअली में कुछ नहीं था, क्लियर, सब तो ब्रिटिश का ही था ना। एक्चुअली में उस टाइम पे हम लोग के पास कुछ नहीं था। तो उसके बाद क्या हुआ, हम लोग क्या थे, महेंद्र लाल सिरकर, वो बहुत ज़्यादा टेंस हो गए, बोले क्या कि हम लोग को कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जो कि हम लोग का देश का उन्नति हो, तो कंट्री का प्रोग्रेस के लिए उन्होंने बोला क्या कि साइंस जो है ना, साइंस को हर एक स्टूडेंट को होता है ना एक बिग मैनर में लेना होगा, बहुत बड़ा बात मानना होगा कि साइंस जो होता है बहुत बड़ा चीज़ है। और ये मानने के लिए जो उन्होंने क्या किया, इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टिवेशन ऑफ साइंस, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में IACS बोलते हैं, याद रखना IACS का फुल फॉर्म भी आता है एग्जाम में, क्लियर। तो IACS का फुल फॉर्म है इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टिवेशन ऑफ साइंस, ये फॉर्म किया। महेंद्र लाल सिरकर जो थे बहुत ज़्यादा इनकरेज थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, किससे, फादर यूजेन लेफ्टन, फादर यूजेन लेफ्टन जो कि एक ब्रिटिश थे, नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चला कि वो एक ब्रिटिश थे, फादर यूजेन लेफ्टन ब्रिटिश थे, बट वो क्या कर रहे थे, कंट्री में होता है साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशन को प्रमोट करते थे, क्लियर। उसके बाद जो है बहुत सारे इंसान जो थे, लिटरेट पर्सन जो थे, बड़े बड़े जो इंसान थे, प्रोफेशनल इंसान जो थे, पढ़े लिखे इंसान, सब जो था फोर फ्रंट में आए इस जो इस प्रोजेक्ट में होता है, सिरकर का हेल्प किए, महेंद्र लाल सिरकर का बहुत ज़्यादा हेल्प किए। लेकिन हेल्प कैसे किए, मेंटली हेल्प किए कि हाँ तुम जो कर रहे हो सही कर रहे हो, अपना काम को आगे बढ़ा, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। वो लोग होता है उनको मेंटली के साथ साथ काउंसिल देने के साथ साथ क्या किए, फाइनेंशियली भी हेल्प किए, पैसा भी दिए, बहुत सारा पैसा भी दिए, जिसकी वजह से जो है IACS ओपन हो गया। लेकिन IACS जो था जैसे ही ओपन हुआ, IACS 1876 में जैसे ही ओपन हुआ, वैसे ही होता है ना एक मूवमेंट आया, साइंटिफिक मूवमेंट आ गया कंट्री में, क्लियर, साइंटिफिक मूवमेंट आ गया कंट्री में। एंड उसके बाद क्या हुआ, सबका सब जो है मतलब डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन जो है खुलता गया। लेकिन तुमको क्या लगता है कि ऐसे में नॉन ऑफिशियल नॉन गवर्नमेंट जो है इंस्टीट्यूट खुल जाएगा एंड चलना शुरू हो जाएगा, ब्रिटिश इसको कुछ नहीं करेगा, बहुत सारा बहुत कुछ किया, बहुत ज़्यादा इसको सप्रेस करने का कोशिश किया, बहुत ज़्यादा रोकने का कोशिश किया, लेकिन सबके सब फेल हो गए, सबके सब क्या हुए, फेल हो गए इस काम में। कैसे फेल हो गए, क्योंकि यहाँ पे जो थे कोई भी बंदा तुम जो होता है किसी से भी अगर फाइट करोगे ना, तो पढ़े लिखे इंसान से फाइट कभी नहीं करोगे, किसी को भी अगर तुम धमकी दे रहे हो देन पढ़े लिखे इंसान को धमकी नहीं दो, कि वो अगर तुम धमकी दिए देन उस पर भी वो कंप्लेन कर सकता है। अभी का बात कर रहे हैं हम, अभी का बात उस टाइम पे कंप्लेन होता था या नहीं हमको पता नहीं, जनरली हमको पता नहीं, होता होगा बहुत कुछ होता होगा, कोर्ट उस टाइम पे भी था, लेकिन पढ़े लिखे इंसानों से जो है पंगा नहीं लेना चाहिए, यही काम किया ब्रिटिश ने, ब्रिटिश ने इसको सप्रेस करने में बहुत ज़्यादा कोशिश किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो लास्ट में क्या किया, इसको जो है चलने दिया, जो आज भी है, आज भी चल रहा है IACS जो है कलकत्ता में है, IACS आज भी चल रहा है, क्लियर। सो ये क्या हुआ, सेटअप हो चुका है, एंड ब्रिटिश जो इसको सप्रेस करने का कोशिश किया, ब्रिटिश फेल हो गया, इसको नहीं हटा पाया, क्यों, क्योंकि इसमें सारे के सारे लिटरेट पर्सन इंटर थे, सारे के सारे लिटरेट पर्सन इसमें इन्वॉल्व थे, सबके सब पढ़े लिखे इंसान थे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसका जो था टीचर्स, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, इन फेमस टीचर्स का बात कर लेते हैं। तो आचार्य जगदीश चंद्र बोस, आचार्य जगदीश चंद्र बोस एंड सी वी रमन, ये दो जो थे इलस्ट्रियस टीचर थे इसके, इलस्ट्रियस का मतलब होता है शानदार टीचर, बहुत ही शानदार, ठीक है, बहुत ही बढ़िया टीचर्स थे IACS के, आचार्य जगदीश चंद्र बोस एंड सी वी रमन। ये जो था हम लोग का टॉपिक जो था यहीं पे ख़त्म होता है। एंड IACS जो है आज आज के डेट में होता है लीडिंग लीडिंग साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है इंडिया का, ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन इंडिया का जो है लीडिंग इंस्टीट्यूशन है IACS हम लोगों का आज के डेट में, क्लियर। तो जाते जाते एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन यही है कि ये बताओ कि सबसे पहला एग्जाम में भी आता है, वॉट इज द नॉन ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल फर्स्ट वॉट इज द नॉन ऑफिशियल फर्स्ट रिसर्च साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर आप लोग को ये क्वेश्चन का आंसर पता हो देन कमेंट करें, एंड अगर इसमें इस वीडियो से अगर आपको 0.01 आउट ऑफ 100 अगर आपको नॉलेज मिला हो, 0.01% भी अगर नॉलेज मिला हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें,
और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे, आपको होता है हर एक वीक जो होता है, हर एक वीक वीडियोस पोस्ट होता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, एंड ऐसे ही आपका नॉलेज इंक्रीज करता रहेगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, शिक्षा उस श्रेणी का दूध है, शिक्षा उस श्रेणी का दूध है जिसे जिसने जितना पिया है उतना ही जोर से दहा रहा है। सो अगर आप लोग को नॉलेज मिला है देन सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और ऐसे ही नॉलेज से भरा वीडियो जो होता है हम अपलोड करते रहेंगे, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।